घटना हुई थी। घटना ये हुई थी कि मेरे यहाँ एक ट्रेनी आया था, उसी गांव का निवासी था और उसका घर जो है मेरे स्कूल की दीवार से चिपका हुआ है। और वो ट्रेनी आया जब, तो वो जो है पूरे एक माह के लिए आते हैं हमारे यहाँ। एक माह में वो केवल 3 दिन उपस्थित हुआ। पहले दिन भी जो है उस रजिस्टर पर उसके फर्जी हस्ताक्षर हैं। उस दिन उसका भाई वो लेटर लेके आया, तो वो लेटर हमने यहाँ सर्टिफाई के लिए भेजा, तो यहाँ से हमें एक लिस्ट प्राप्त हुई जो पूरे ज़िले की मास्टर रोल होती है, उसके द्वारा उसमें उसका नाम शामिल था। मैं उस दिन सेम डे छुट्टी पे था, तो मैंने अपने असिस्टेंट टीचर को बोल दिया कि आप इसको ज्वाइन करवा दो। तो चूँकि ये नहीं पहुँचा था, ये मुझे बाद में मालूम चला, तो चूँकि मैं उस दिन का रेस्पॉन्सिबल यूँ नहीं हूँ कि मैं CL पर हूँ, उस दिन के हमारे इंचार्ज जो हैं हमारे असिस्टेंट टीचर सूरजमल जी हैं, उन्होंने ज्वाइन कराया। मैंने उनसे बाद में जाकर कहा तुमने फर्जी हस्ताक्षर क्यों कराए, अगर वो नहीं आया था तो आपको ज्वाइन नहीं कराना था। दूसरी बात यह है कि मैंने उनको ज्वाइन कराने से पहले ये भी बोल दिया कि आप उनको ये बोल दें कि इस विद्यालय में आपको डेली आना पड़ेगा, अगर यहाँ आपको टीचिंग करनी है तो जैसे हमारा स्टाफ रेगुलर आ रहा है, क्योंकि आपको एक माह की टीचिंग के लिए भेजा गया है, आपको भी रेगुलर आना है। तो सब वो ये बोला कि नहीं मैं तो नहीं आऊँगा, सब मेरी ये जानकारी की क्या विद्यालय है, आप हमारी जानकारी के हैं ये है, और मैं नहीं आऊँगा सब। मैं भाई अब तू नहीं आएगा तो मैं तेरी एबसेंट लगा दूंगा और मैं ऊपर भेज दूंगा ये अगर कोई। तो आपने ऊपर भेजी थी एबसेंट? मैंने डायरेक्ट प्राचार्य सर को रिटन में पहले तो व्हाट्सएप के थ्रू कन्वर्सेशन करके भेजा, उससे पहले बाई फोन मैंने अपने नंबर से उनको उनके पर्सनल नंबर पर और उनके जो ऑफिशियल नंबर है लैंडलाइन नंबर, उन दोनों पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों से संपर्क नहीं हो पाया। तो 2 दिन पूर्व ये जो वीडियो वायरल हो रही है पैसे के लेन देन की, ये रिलीविंग के बाद ही घटना है, लेकिन वीडियो में जो वो रिश्वत देते हुए दिखा रहा है वो रिश्वत नहीं है। उसने मुझे मानवता के नाते एक मानवीय व्यवहार के तौर, क्योंकि उसका भाई बीमार था, वो भी बोला मासा मथुरा जाएंगे मेरे 40-50 रुपए बच जाएंगे, तो आप ये पैसे मेरे भाई को दे दीजिएगा। अच्छा आज जो पैसे लेते हुए पकड़ा गया है, आज जो घटना है, आज मैं सुबह विद्यालय पहुंचा, विद्यालय पहुंचने के बाद फिर मैं और मेरे असिस्टेंट टीचर हम दोनों ग्राम प्रधान जी के पास गए अपने विद्यालय के किवाड़ चढ़वाने के लिए। तो प्रधान जी बोले कि मां साहब आप मेरे साथ चलिए, मार्च चल रहे हैं, हम सामान लेके आएंगे और आज ही कोशिश करते हैं आपके किवाड़ चढ़ जाएं। तो उन्होंने मैं और गांव के 2 लोग और हैं, और एक जो वाइट वॉशिंग का कार्य चल रहा है वहाँ उसका भी मार्ट निवासी ठेकेदार है, वो भी हमारे साथ गाड़ी में बैठ के आई और यहाँ रंगाई पढ़ाई वाले से सामान लेके, पैसे के लेन देन की क्या पैसे की वही बता रहा हूँ मैं। उसके बाद में हम वहाँ पहुँचने के बाद मैं अपना पढ़ा रहा था, तो ये लड़का दोबारा आता है आज एक नया रजिस्टर लेके और बोलता है अच्छा पहले रजिस्टर की वो फोटोकॉपी ले गया, बोले सर फोटोकॉपी माने नहीं है और आप इस रजिस्टर में दोबारा करवा दीजिए। तो मैंने अपने असिस्टेंट टीचर नासिर खान को बुलाया और मैंने ये कहा सर इनकी जो कार्यवाही है 11 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर तक की, इसमें जितनी भी छुट्टियाँ संडे और जो भी हॉलीडेज पड़ रहे हैं वो आप इसमें चढ़वा दीजिए और ये 4 दिन के अपने साइन इसमें कर लेगा और मैं बाकी डे में मैं अनुपस्थिति लगा दूंगा अपनी मोहर और मैंने सिग्नेचर कर दिए। इसके बाद फिर इसने ये दूसरी कहानी आज दोबारा ये कड़ी कि मां साहब आज हमारी मेरा दूसरा भाई बीमार हो गया है, आज जो है मेरी रिपोर्ट ले जाना, तो आज इससे मैंने बना कर दिया मेरे भाई आज मैं तेरा कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी पैसे या कोई भी चीज़ नहीं लेके जाऊंगा। जैसे ही मैंने ये कहा और कहने के बाद तो मैंने कहा तुम अब जाइए तुम्हारा काम हो गया, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने दीजिए। तो मैं चेयर से खड़ा हो गया अपनी से बच्चे से बुक ली, मैं अपने जैसे ही उसमें ब्लैक बोर्ड की तरफ गया हूँ तो तुरंत ये मेरे पीछे मेरे पॉकेट में रखने की इसने कोशिश की है, मैंने इसके हाथ में से पकड़ के तुरंत पैसे फेंक दिए और मैं तुरंत अंदर रूम में अपने असिस्टेंट टीचर के सामने गया हूँ कि मां साहब ये मेरी पॉकेट में ज़बरदस्ती पैसे रख रहा है इसे पकड़ो उसके बाद मुझे बचाओ। फिर मैंने दूसरे टीचर को भी कॉल किया है, मतलब आवाज़ लगाई है कि मां साहब ये ज़बरदस्ती पैसे रख रहे हैं और जल्दी मुझे बचाओ, मैंने चीख गया हूँ मैं फर्श पे भी गिर गया हूँ। इसके बाद ये 5-7 लोग और आए, 5-7 इन्होंने फिर मुझे मैं थप्पड़ भी मारे, थप्पड़ मारते हुए इन्होंने मेरी पॉकेट से पीछे पर्स निकाल के ज़बरदस्ती रखे हैं, मैंने वो भी निकाल के फेंकने की कोशिश की है, फिर इन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए जिससे कि मैं फेंक ना सकूँ, इन्होंने मेरे पीछे पैसे रख दिए और उसके बाद ये मैं यहाँ पर बैठा हूँ। क्या आपने बिल्कुल शिकायत भी की थी? जी मैंने शिकायत की थी, उसी के एवज में ये सारी घटनाक्रम ये मेरे साथ में रख ले। इसके बाद ये जो घटना है परसों वाली 13 तारीख वाली रिलीविंग के बाद की, जो पैसे के 5,000 का जो वीडियो आप बता रहे हैं वो उसकी सूचना मैंने छोटे भाई के द्वारा यहाँ पे जो एसओ साहब हैं मार्ट के उनसे भाई फोन कॉल कन्वर्सेशन किया। उसके बाद गाँव में जा करके आज भी मैंने 4 लोगों को वहाँ गाँव में ये बात बताई है कि भाई मेरे साथ हो सकता है कि कोई घटनाक्रम हो और मेरी जान को खतरा है, तो आप लोग मेरा सहयोग करना। भाई मैं यही कह सकता हूँ अगर मैं दोषी हूँ। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं नगला नगता रामनगर का निवासी हूँ।
मैं किसी कारण मैं अपनी स्वास्थ्य खराब होने के कारण ना आने पर मुझसे जो प्रेजेंट पूरी करने के लिए 50,000 रुपये की मांग की गई कि हम तुम्हारी उपस्थिति पूरी करा देंगे। और मैं 13 तारीख को 10,000 रुपये दे चुका हूँ, उसकी वीडियो क्लिपिंग बना चुका हूँ मैं। तो मैंने सर साहब सर को अवगत कराने के बाद आप 10,000 रुपये की मांग की इन्होंने, 10,000 रुपये देते समय रंगे हाथ पकड़ा गया। नहीं तो ये बता रहे हैं कि तुम्हारी इन्होंने पूर्व में भी शिकायत की थी कि ये मेरे को अनैतिक तरीके से फंसा देगा। सर आज तक मेरी कोई शिकायत नहीं हुई है ना सर, मेरा ऐसा व्यवहार रहा है इससे। ये बता रहे हैं मार्ट एसओ को भी कल सूचित किया गया था फोन से कि ये मेरे को अनैतिक तरीके से फंसाने के चक्कर में है। सर मेरा कोई सबूत वहाँ स्पष्ट कर दें सर, मैंने इन्हें कोई अनैतिक तरीके से फंसाने की कोई वो की है तो। सर जो आपकी टीम द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो क्या कार्रवाई की गई और किसके खिलाफ की गई है? ये शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई थी कि वहाँ ये अपना मास्टरी का ट्रेनिंग करने के लिए आया था, उस संबंध में इसको बताया गया कि आपकी ये गैरहाजिर रहा वहाँ पर और इसकी पूरी सीट ठीक करने के लिए, हाजिरी ठीक करने के लिए और इसके मतलब यहाँ से उसकी रिपोर्ट देने के लिए इससे बात हुई थी। तो 10,000 रुपये इन्होंने पहले ले लिए थे 13 तारीख में और 10,000 रुपये आज रंगे हाथ लेते हुए पकड़े गए। सर इसमें किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? नहीं वैधानिक कार्रवाई जो नियमानुसार है वो कार्रवाई की जाएगी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत। सर इसमें कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि उसको अनैतिक तरीके से फंसाया गया है, ये तो समाज है जो नहीं देखता है वो अपने हिसाब से बात करता है, क्योंकि हम लोग कानून के दायरे में काम करने वाले हैं, उसी तरीके से कार्य किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि फर्जी लग रहा हो, आगे विवेचना होगी जैसा भी होकर निकल के आता है। लगाया गया है तो ये क्या आरोप है और क्या मान के चल रहे हैं आप इसमें? ये एक ट्रेनिंग था वहाँ पे एक महीने के लिए, BTC का कोर्स होता है उसका, एक महीने के लिए ट्रेनिंग करने आते हैं। तो एक प्रशिक्षु था, तो ये बताया जा रहा है कि वो प्रशिक्षु विद्यालय नहीं आता था, हमारे प्रधान संबंधित प्रधान अध्यापक ने उससे कहा कि विद्यालय नहीं आओ, हम विद्यालय आया करो, उसने मना किया। तो प्रधान अध्यापक ने टायर प्राचार्य महोदय को इस पूरे प्रकरण से अवगत करा दिया कि महोदय ऐसे ऐसे बात है, ये विद्यालय नहीं आता है, मेरा मार्गदर्शन करें। तो डायर प्राचार्य जी ने जो पत्र के माध्यम से जो किया, लेकिन इसको जो आज फंसाया गया है गलत षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, बहुत ही कर्मठ और ईमानदार अध्यापक है ये। और ये भी मालूम हुआ है कि इसके भाई ने, संबंधित प्रधान अध्यापक के भाई ने थाना एसओ मार्ट महोदय को भी अवगत करा दिया था कि मेरे भाई के साथ कोई षड्यंत्र रचने वाला है, महोदय इसमें हमारी मदद करें। कब कराया गया? ये सर कल किया है हमने, कल जो शुक्रवार को एसओ साहब से इनकी बात हुई है, शायद उनके पास इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जो एसओ साहब से बात हुई है। तो ये कल की घटना थी और आज ये आज टैप कराया गया, कल की घटना एसओ साहब से बात हुई थी। तो मैं मीडिया के माध्यम से समस्त शिक्षक जगत को, जितने भी मथुरा में शिक्षक कर्मचारी हैं, इस अन्याय के विरोध में एक होकर के, एक मंच पर होकर के इस अन्याय की लड़ाई के खिलाफ न्याय पूर्वक एक साथ होकर के इस लड़ाई को लड़े, क्योंकि आज इस एक शिक्षक के साथ हुआ है, हो सकता है कल दूसरे के हो, तो दूसरी घटना होने से पहले इसे रोक दिया जाए। तो मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूँ मीडिया वालों से कि हमारी इस खबर को बहुत फैलाएं और बहुत दूर तक प्रसारित करें।